नमस्कार दोस्तों, रेसिपी फॉर ऑल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरी आज की रेसिपी है छोले भटूरे। छोले बनाने के लिए हमें तैयारी पहले से करनी होगी। मैंने करीब 1.5 कप छोले को ओवरनाइट सोक करके रखा था। बारह घंटे इसे भिगोने के बाद ये कुछ इस तरीके से है। अब हम इसे प्रेशर कुक करेंगे। इसके लिए मैंने इसे एक प्रेशर कुकर में डाल दिया है। करीब 1/2 लीटर पानी हम इसमें डालेंगे, स्वादानुसार नमक, 1 चम्मच चाय की पत्ती मैंने लिया है और उसे एक पतले सूती के कपड़े में बांधकर हम इसमें डाल देंगे। अब हमें इसे प्रेशर कुक करना है। 5 से 6 विसल आने तक हम इसे प्रेशर कुक करेंगे। जब तक ये प्रेशर कुक हो रहा है, हम भटूरे की तैयारी करेंगे। मैंने 1/2 किलो मैदा लिया है। ये मैंने भटूरे का रेडीमेड पैकेट लिया था, उससे मैं भटूरे बना रही हूँ। इसके साथ में ही कुछ यीस्ट पाउडर मिला था, उसे भी मैंने इसमें डाल दिया है। स्वादानुसार नमक डाला है। करीब 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। हम इसे मुट्ठी में बांध कर देखेंगे। अगर यह बन जाता है तो इसका अर्थ है यह लगाने के लिए तैयार है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ऑयल और डालने की आवश्यकता है। मैंने इसमें थोड़ा सा तेल और डाला है और इसे अच्छे से मिला लिया है। अब यह मुट्ठी में बन जा रहा है। अब मैंने इसमें 1/2 कप दही डाला है। इसे भी हम अच्छी प्रकार से मिला लेंगे। इस बीच मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा है, क्योंकि आगे मैदा को लगाने के लिए हमें गर्म पानी की आवश्यकता होगी। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालकर इसे गूंद लेंगे। अब यह गूंदकर तैयार है। एक भीगे हुए कपड़े से हम इसे ढककर किसी गर्म जगह पर 1 घंटे के लिए रख देंगे। इस बीच मैं छोले को देख रही हूँ, ये प्रेशर कुक हो चुके हैं। चाय पत्ती की पोटली मैंने अलग कर दी है। इसे हम चाहे तो थोड़ा सा चेक करके देख सकते हैं कि छोले अच्छे से गले हैं कि नहीं। मैंने इसे यूं दबाकर देखा है, ये अच्छी प्रकार से गल चुके हैं। अब हम इसे प्रेशर कुकर से निकाल देंगे। एक कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल गर्म करने के लिए रखा है। तेल के गर्म होने पर मैंने इसमें 1 चम्मच जीरा डाला है, 2 तेज पत्ता, थोड़ा सा दालचीनी हम इसमें डालेंगे, 3-4 लौंग, 1 बड़ी इलायची और 2-3 हरी इलायची यानी कि छोटी इलायची, 2 से 3 मध्यम आकार के प्याज को पीसकर मैंने रखा हुआ था। तो इस तरीके से 1 कप प्याज का पेस्ट मैंने इसमें डाला है। अब हम इसे भुनेंगे। मीडियम फ्लेम में मैं इसे भून रही हूँ।
प्याज भुन चुका है, मैंने इसे लो फ्लेम में कर दिया है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर मैंने इसमें डाला है, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक। हमें ये ध्यान रखना है कि नमक हमने पहले भी छोले में डाले हुए हैं। और अब इसमें मैं एक टेबल स्पून छोले मसाले डालूंगी। इसे भी अच्छे प्रकार से हम मिला लेंगे। आधा कप पीसे हुए टमाटर मैंने इसमें डाले हैं। इसे लगभग 2-3 मिनट तक पकाएंगे। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाला है। अब हम इसमें प्रेशर कुक्ड छोले को डालेंगे। जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाए तब हम लो फ्लेम कर देंगे और इसे ढककर 5 मिनट तक पकाएंगे। पाँच मिनट के बाद मैं इसे देख रही हूँ, गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब एक कुकर में मैंने 1 टेबल स्पून घी डाला है, आधा चम्मच सरसों हम इसमें डालेंगे, 3-4 हरी मिर्च को मैंने बीच से काट कर रखा हुआ है उसे भी मैं इसमें डाल दूंगी। एक चम्मच अदरक का पेस्ट मैंने इसमें डाला है। 2-3 मिनट तक से हम भून लेंगे। अब छोले को मैं इसमें डाल रही हूँ। अब यह थोड़ा सा गाढ़ा है, हम इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। अब हमें इसे प्रेशर कुक करना है। जब तक ये प्रेशर कुक हो रहा है हम भटूरे की तैयारी करेंगे। मैंने इसमें से एक पोर्शन लिया है और हम इसे बेलेंगे। इस बीच मैंने 1/2 लीटर तेल गर्म करने के लिए रख दिया है जिसमें कि हम भटूरों को डीप फ्राई करेंगे। हमें इसे पूरी की तरह पतला नहीं बेलना है, यह थोड़ा सा मोटा होगा। तेल गर्म हो चुका है, अब हम भटूरे को इसमें धीरे से छोड़ेंगे। जब यह फूल जाए तब हम इसे पलट लेंगे। अब यह तैयार है, हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे। इसी प्रकार हम और भटूरे भी तैयार करेंगे। ये दूसरा भटूरा मैंने बेलकर तेल में छोड़ा है। इसे पूरी की तरह ही हम डीप फ्राई करेंगे। कुकर में 2 सीटी आ चुका है और अब छोले भी तैयार हैं। हम इसे गर्मा गर्म भटूरे के साथ सर्व कर सकते हैं। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। साथ ही मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।